हाँ जी दोस्तों, तो एक और मंगल, एक और दंगल, बहुत सारी इंटरेस्टिंग अपडेट्स आपके लिए लेके आ गया हूँ। आज की जो पहली अपडेट है वो है BSNL की तरफ से। BSNL बेसिकली काफी टाइम से घाटे में चल रही है एंड हर बार बजट आता है तो BSNL के लिए स्पेशल रिलीफ पैकेज निकाला जाता है जिससे वो सस्टेन करती रहे, आगे चलती रहे। लेकिन अब कुछ कहानी ऐसे निकल के आ रही है कि BSNL को अब जाके प्रॉपर्टीज अपनी जो है, वर्क स्पेसेस है, वो कुछ कुछ शेयरों के बेचने पड़ेंगे। 14 प्रॉपर्टीज जिनकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 20,160 करोड़ रुपए है, उनकी पूरी लिस्ट बनाई गई है एंड सबमिट की गई है गवर्नमेंट को कि भाई ये सारी प्रॉपर्टीज हम बेच के ये सारे फंड्स को यूज करने वाले हैं 4G की आगे डेवलपमेंट में। सीधा सा सिस्टम है, कंपनी को 4G के लिए फंड्स चाहिए एंड ये हाथ पैर मार रहे हैं सब जगह से। जो सारी जगहें सबसे कम वैल्यू दे रही हैं ऑन टेबल इन कंपनी को, उन प्रॉपर्टीज को ये कंपनी बेच रही है। एंड भाई आपको पता है कि BSNL के ऑफिसेज कितने बड़े बड़े होते हैं, यूजुअली मेरे शहर में तो काफी बड़ा बना हुआ है एंड इस तरीके से ऑल ओवर इंडिया कितने सारे ऑफिसेज, कितनी सारी लैंड प्रॉपर्टीज इनके पास होंगी। चलो कुछ भी, मतलब बेसिकली BSNL को ट्रैक पे लाना जरूरी है, फिर भले ये वाला मॉडल ही क्यों ना हो। मेन बात ये है कि 4G अगर लॉन्च होगा तो इवेंचुअली 5G और जल्दी आ जाएगा BSNL का। अगली अपडेट Jio की तरफ से है एंड Jio ने ये क्लेरिफाई किया है कि Jio दिल्ली NCR में फुल्ली 5G कवर कर चुका है एंड ये 5G सेगमेंट में पहला ऑपरेटर बन गया ऐसा करने वाला, मतलब पहला ऐसे बोल रहे हैं जैसे पता नहीं कितनी लंबी लिस्ट हो, सिर्फ एयरटेल ही है इनके पीछे एंड उसका भी दिल्ली पूरा नहीं कवर हुआ होगा। दूसरी तरफ अगर आप एयरटेल को देखोगे तो उन्होंने गुरुग्राम वाला जो एयरपोर्ट है एंड पुणे पे 5G प्लस के नाम से जो उनका चला रहे ना सिस्टम, वो उन्होंने लॉन्च कर दिया है। वैसे अगर आप दिल्ली में रहते हो तो मजे तो आपके हैं ही है, लेकिन Jio 5G कितने लोग यूज कर रहे हैं दिल्ली NCR में एंड क्या ये बात सही है कि पूरे दिल्ली NCR में आपको Jio पे 5G मिल रहा है, स्पीड अच्छी मिल रही है? अगर हाँ तो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अगली अपडेट अगेन Jio की तरफ से है, लेकिन इस बार फॉर अ डिफरेंट रीजन। Jio यहाँ पे इंडिया का पहला ऑपरेटर बन गया है जिसने पूरा 5G कोर एंड टू एंड डेवलप कर लिए। अब ये जो डेवलप्ड रेडियोस है ना, ये खुद भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कुछ टाइम से टेलको मसाला हमारा फॉलो कर रहे हो तो हमने काफी बार बताया कि Jio ने नोकिया एंड एरिक्सन जैसी कंपनीज को काफी सारे कॉन्ट्रैक्ट्स दिए हुए हैं इन चीजों के लिए। बेसिकली रोल आउट स्पीड अप हो जाएगा जैसे जैसे ज्यादा कंपनीज के साथ ये लोग पार्टनर कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है, रोल आउट कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद Jio इन हाउस अपना 5G कोर पूरा यूज करेगा खुद से एंड ऐसा भी हो सकता है कि इसको एक्सपोर्ट भी करना ये लोग स्टार्ट कर दें। अगली अपडेट है ट्राई का देसी ट्रू कॉलर। आपको पता होगा शायद कुछ महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, यहां पे हमने बताया था कैसे ट्राई अपने एक एप्लीकेशन के ऊपर काम कर रहा है जो कि इंडियन वर्जन ऑफ ट्रू कॉलर हो सकता है, लेकिन यहां पे जो डेटाबेस होगा वो सारा KYC वाला डेटाबेस यूज किया जाएगा। लेकिन कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इस तरीके से भी इसके ऊपर वर्किंग की जा रही है कि WhatsApp पे जैसे अगर अननोन नंबर से भी कॉल आते हैं तो उस केस में भी ये ऐप यहां पे काम करेगी। अब अगर ऐसा सिस्टम ट्राई अच्छी तरीके से डेवलप कर लेता है एंड एग्जीक्यूट कर लेता है तो बहुत सारी स्पैम कॉल्स एंड फ्रॉड्स टाइप की चीजें काफी हद तक रुक जाएंगी। लेकिन मजा तब है जब इसको एज एन ऐप नहीं बल्कि एज एन इनबिल्ट OS के सॉफ्टवेयर की तरह रिलीज किया जाए डिफरेंट ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेशन में। मतलब कोई भी फोन लो, ये फीचर इनबिल्ट आना चाहिए। क्या लगता है, क्या अच्छा रहेगा, ऐप की तरह या फिर इनबिल्ट वाला सिस्टम? नीचे मुझे बताना जरूर। अगली अपडेट है सैटकॉम के ऑक्शंस को लेके। लास्ट टाइम हमने कुछ बातें करी थी, कुछ कुछ कंपनीज जैसे कि Jio एंड वी, ये वो कंपनीज है जो चाह रही है कि जो सैटकॉम के लाइसेंसेज हैं, जो स्पेक्ट्रम ऑक्शंस होंगे, वो बेसिकली ऑक्शन सिस्टम पे नॉर्मल चले, जो जितनी ज्यादा बोली लगाएगा उसको उतना माल मिले। लेकिन एयरटेल वहां पर ये चाह रहा था कि जो स्पेक्ट्रम की सेलिंग है ना, वो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस से होनी चाहिए, ना कि ऑक्शन वाले सिस्टम में। लेकिन अब मोस्ट लाइकली ये चीज क्लियर हो रही है गवर्नमेंट की तरफ से, ये जो सैटकॉम की स्पेक्ट्रम की सेल्स हैं, ये बेसिकली सीधा सीधा ऑक्शन वाले सिस्टम से ही होगी। तो एक तरह से देखा जाए तो एयरटेल की ज्यादा चली नहीं, Jio और वी का पगड़ा यहां पे ज्यादा भारी पड़ गया। Jio की तो वैसे चलनी थी नहीं, सरकार उनकी। अगली अपडेट है प्राइवेट 5G को लेके एंड यहाँ पे काफी सारा मसाला निकल के आ गया। अगर आपको नहीं पता प्राइवेट 5G क्या होता है तो मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया था, आप जाके इसको रेफर कर सकते हो। तो अभी के लिए ना प्राइवेट 5G की एप्लीकेशंस जो हैं वो सारी की सारी टेक कंपनीज जिनको रिक्वायरमेंट है उन्होंने गवर्नमेंट को सबमिट कर दी है। अब यहाँ पे गवर्नमेंट जो है ना वो डिमांड्स को चेक कर रही है कि भाई एक्चुअल में रिक्वायरमेंट कितने की है एंड अब एप्लीकेशन सबमिट होने का ये मतलब नहीं है कि इनको स्पेक्ट्रम अलॉट हो ही जाएगा, बल्कि सीन ऐसा है कि ये प्रोसेस जो है ना ये 2 साल तक भी चल सकता है। प्राइवेट 5G इन एप्लीकेंट्स को मिलने तक 2 साल लग सकते हैं। इन 2 सालों में प्राइवेट प्लेयर्स Jio एयरटेल जो 5G में केटर कर रहे हैं वो तब तक जितना कमाना चाहें कमा लें। एंड आज की सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग अपडेट ये है कि रिलायंस इंफ्राटेल, आपको याद है जो आरकॉम बंद हो गई थी, फिर उसके ऊपर भी मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया था केस स्टडी के फॉर्म में, नहीं देखा हो तो जाके देख लेना। तो गवर्नमेंट की तरफ से ये अपडेट आ रहा है कि Jio को NCLT की तरफ से फाइनली एक अप्रूवल मिल चुका है जहां पे Jio इस रिलायंस इंफ्राटेल को एक्वायर कर सकते
सकती है। बेसिकली ये मूव काफी ज्यादा ना स्ट्रेटेजिक है, क्योंकि यहाँ पे रिलायंस इंफ्राटेल जो जिसका बिजनेस तो ठप हो चुका है, लेकिन इनके पास एसेट्स हैं बहुत सारे जो जियो के काम के हैं, जैसे कि 1.78 लाख किलोमीटर का वर्थ ऑफ फाइबर पूरा नेटवर्क एंड 43,000 से ज्यादा मोबाइल टावर्स। एंड ये एसेट्स को यूज करेगा जियो अपने 5G ऐसे को ढंग से ऑल ओवर इंडिया एक्सपेंशन के लिए। अब ऐसा नहीं है कि अचानक से आ गया, जियो ने 2019 में ही रिक्वेस्ट करी थी कि जो रिलायंस इंफ्राटेल है जहां पे ये सारे इनके एसेट्स हैं आरकॉम के, तो ये इनको एक्वायर करना चाहते हैं, तब से ये प्रोसेस चल रहा था एंड फाइनली अब जाके अप्रूवल आ गया है। एक और काफी इंटरेस्टिंग अपडेट है कि एयरटेल ने ना बड़े चुपचाप से धीरे धीरे से सबसे बेस प्लान जो 99 रुपीज का इनका चलता है उसको यहाँ पे रिमूव कर दिया है 2 सर्कल्स के अंदर, हरियाणा एंड उड़ीसा। अब यहाँ पे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अगर सिर्फ 2 सर्कल्स में हटाया है, इसका एक सिंपल सा मतलब है कि एयरटेल इसके इफेक्ट्स को चेकआउट कर रहा है कि क्या हो अगर मैं ये हटाई दूं। बाय द वे, जिनको नहीं पता, 99 के प्लान की जगह पे अब स्टार्टिंग प्लान इन दोनों सर्कल्स में हो गया है 155 रुपीज का। अब ये मूव करने से सबसे ज्यादा बेनिफिट हो रहा है यहाँ पे वी को। अब क्योंकि अभी तक क्या हो रहा था कि सारे प्लेयर्स के जो है प्राइसेस सिमिलर थे, तो लोग चूज कर रहे थे कि जब पैसे उतने ही देने हैं तो सर्विस अच्छी वाली लेंगे ना, जिसके यहाँ नेटवर्क अच्छा था, जिसके यहाँ स्पीड अच्छी आ रही थी, वो लोग एयरटेल चूज कर रहे थे। लेकिन ये प्राइस हाइक ऑलमोस्ट 57% का आ चुका है, 99 की जगह 155 पे करने पड़ेंगे, तो यहाँ पे अब दोबारा से ये प्राइस सेंसिटिव मार्केट दोबारा से एक्शन में आ जाती है। एंड जो सबसे ज्यादा बेनिफिट है वो वी को हो सकता है अगर एयरटेल जो है ये पैन इंडिया अगर इस तरीके से 99 वाला प्लान हटा दे तो। वैसे क्या आप पसंद करोगे अगर मैं किसी वी के ऑफिशियल को अप्रोच करूं एंड हमारे चैनल पे आके एक छोटा सा पॉडकास्ट किया जाए तो कैसा रहेगा? अगर इस वीडियो पे 10,000 लाइक आ जाते हैं तो मैं डेफिनेटली ये करने वाला हूं, तो मेक श्योर यू हिट दैट लाइक बटन। एंड ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन स्टे सेफ, स्टे सार्कास्टिक, सी या।